हेलो वालेकुम तो आज हम एक बहुत ही टेस्टी डिश बनाने जा रहे हैं जो है दही से बनाएंगे आप लोग दो दही से बहुत सी डिश बना के खाए होंगे लेकिन ये स्वीट डिश आप नहीं बना के खाए होंगे तो ये डिश आप ज़रूर ट्राई करिए और बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही अच्छी और टेस्टी डिश बनेगी तो चलिए शुरू करते हैं तो हम ये जो केक वाला ये रहता है कप रहता है उससे हम लेंगे तो उससे हम दो कप दूध ले रहे हैं आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं पका दूध भी ले सकते हैं या फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं या ओ, लो फैट मिल्क भी ले लीजिए सब चलेगा इसमें लेकिन जो थोड़ा सा फुल फैट मिल्क होगा वो अच्छा होगा तो इसमें हम दो कप ले ले रहे हैं और इसमें हम कॉफ़ी डालेंगे तो थोड़ा सा इसमें हम वन फोर्थ चम्मच करीब हम इसमें कॉफ़ी डाल देंगे कॉफ़ी पाउडर तो इसमें हम नहीं डालेंगे गैस आप चाहें तो दो चम्मच हमने पहले से दूध निकाल लिया है और उसमें हम घोल करके इसमें डालेंगे आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं तो पहले ये दूध को हम अच्छे से पका लेंगे एक बॉयल आने तक और फिर इससे काफ़ी कॉफ़ी का पा ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे कोई लफ्ज़ नहीं रहना चाहिए और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और इसमें हम शुगर डाल देंगे शुगर हम आधा कप ले रहे हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं तो इसमें आधा कप हमने शुगर डाल दी और शुगर मेल्ट होने तक इसे हमें बॉयल करना है और जब शुगर मेल्ट हो जाएगी और हमें पकाना है तो जब तक हमारा दूध पक रहा है अच्छे से तब तक हम देख लेते हैं दही कितना लेना है दही हम ऐसी दही ये मस्ती की आती है ये वाली दही लेंगे ये दही बहुत अच्छी होती है जिसमें पानी ज़रा सा भी नहीं होता है तो हमें ऐसी दही लेना है एक थिक कट लेना है जिससे पानी ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए अगर आपके पास पानी वाला दही है तो उसको छान करके तो उसको थिक कट लेना है थिक कर लें तो फिर हम ये इस कप से एक ही कप रहेगी ये और हाफ कप हम और डालेंगे दही इसमें अलग से तो ये हम निकाल लेते हैं बड़े बाउल में तो ये हमने दही निकाल ली और हाफ कप हम दही और डालेंगे डेढ़ कप के करीब हमने दही ली है और इसको अच्छे से मिक्स करना है गाइज कोई लम्ब्स नहीं रहना चाहिए तो ये दही हमने और ले ली कोई विष्क से आप इसको मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और कोई लम्स नहीं रहेगा विस्क से चम्मच से भी आप कर सकते हैं कोई लम्स नहीं रहना चाहिए बस तो इसको हमने मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से फेंट लिया और इसमें अब हम डालते हैं इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम सोंठ पाउडर डालेंगे ये ऑप्शनल है अगर आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो डाल सकते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा वन फोर्थ चम्मच करीब सोंठ का पाउडर डाल देते हैं इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये इलायची पाउडर है इसमें हम वन फोर्थ टी एस पी के करीब इसमें हम डाल देते हैं पाउडर इससे भी फ्लेवर बहुत ही दुगना हो जाएगा इसका आपका जो दिल है वो फ्लेवर बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉफ़ी से ही बनेगा आपका जो दिल चाहे वो फ़्लेवर डाल सकते हैं इसमें हम डालते हैं वन फोर्थ कप के करीब वन फोर्थ कप डालेंगे हम इसमें मिल्क पाउडर है अमूल्य के हमने लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे कोई लम्स नहीं रहना चाहिए और ये इसमें हम हाफ़ चम्मच बेकिंग पाउडर डालते हैं जो दूध लिया था वही है ये ये अभी दूध को हम गाढ़ा करने के लिए पका रहे हैं तो इसमें हमने जो बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है इसलिए ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और गैस की फ्लेम को फुल ही पे रखना है गैज ताकि हमारा दूध अच्छे से बन जाए हम एक कंडेंस मिल्क बना रहे हैं आप चाहें तो कंडेंस मिल्क बाहर से भी डाल सकते हैं बाहर का मार्केट का भी ले सकते हैं लेकिन गैज मार्केट में बहुत महंगा मिलता है इससे हमारा एक कम दूध में और कम पैसे में हमारा इन कंडेंस मिल्क बन जाता है तो ये लीजिए हमने गैस की फ्लेम को तेज़ रखा है और ये देखिए हमारा कंडेंस मिल्क फटाफट बन तैयार हो गया है और हमें कंडेंस मिल्क ही बनाना है बहुत ज़्यादा इसको सूखा नहीं करना है क्योंकि जब ठंडा होगा तो और सूखा हो जाएगा और तो गाढ़ा हो जाएगा ये तो गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे इतना ही थीक रहना चाहिए और अभी जब ठंडा होगा तो ये देखिए कितना ठीक हो गया तो हमको ऐसे ही क ये चाहिए कंडेंस मिल्क तो ये दही में हम इसको डाल देंगे कंडेंस मिल्क को जो हमने बनाया है इसमें डाल करके देंगे पूरा और इसमें कोई गाइस ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ जो है कॉफ़ी पाउडर से ही बना सकते हैं आप कॉफ़ी पाउडर नहीं अच्छा लगता है तो आप ना डालें खाली इलायची पाउडर या और कोई भी फ्लेवर डाल करके बना सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ये हमारा बैटर तैयार हो गया और हमको एक टिन लेना है जिसमें इसको बेक कर इसको हम स्टीम इस करेंगे गैज और इस हमने इसमें पहले से तेल डाल करके ग्रीस कर लिया था और इसमें डाल देते हैं आप जहाँ तक हो सके ये जो जर्मन का ये केक वाला टीन आता है वही यूज़ करें तो उससे बहुत अच्छा भी वो होगा स्टीम होगा और आसानी से निकल आएगा तो इसको हमें टैप कर देना है दो से तीन बार और जिसमें हम स्टीम करेंगे हमने इडली का बर्तन लिया है और इडली का जो बैटर रखा जाता है इडली जिसे बनाते हैं वो उल्टा करके हम रख देंगे सबसे नीचे वाले खाने में आप कोई छन्नी भी रख सकते हैं कोई भगोने में बना सकते हैं आपको जैसा लगे आप वैसा कर सकते हैं और ये देखिए इसको हम रख दे रहे हैं आप के पास अगर फॉइल पेपर हो तो इसको कवर कर दीजिए इसको आप आज हमारे पास फॉइल पेपर नहीं है तो हम इसको कांच के ढक्कन से कवर कर देंगे तो इसकी साइड से स्टीम नहीं निकलना चाहिए इस बात का ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है तो इसको अब हम कवर कर देते हैं ऊपर से और 20 मिनट के लिए इसको स्टीम पे तेज आंच पर चढ़ा देते हैं और ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं और इसको हम खोलते हैं ढक्कन को तो देखिए हमारी इसको हम बप्पा दोई बोलते हैं बप्पा दोई जो है बन गई है और बहुत ही सॉफ्ट है इस कहाँ से छूना नहीं है नहीं तो ये टूट जाएगा और गैस इसको जो है हम फ्रिज में दो से तीन घंटे रख करके फिर निकाले हैं तो देखिए है, बिल्कुल साइड से कोर अपनी छोड़ दिया है ये और इसको चाकू से एक बार हम चला लेंगे तो इजी ये निकल आएगा तो ये देखिए इसको हम पलट देते हैं और बहुत ही अच्छी हमारी बप्पा दोई या मिर्ची दोई जो भी कह लीजिए वो बन के तैयार हो गया है तो ये देखिए बर्तन में ज़रा सा भी नहीं लगा और इसको हम डेकोरेट कर देते हैं देखिए कितना अच्छा बना है और खाने में बहुत ही मस्त है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए गाइज और किसी मेहमान के आने पर इसको बनाइए बहुत ही आपकी वाहवाही होगी बहुत ही अच्छी डिश है ये तो हम इसको बादाम के टुकड़ों से कतरन से इसको डेकोरेट कर दे रहे हैं और थोड़ा सा टूटी फूटी डाल दे रहे हैं थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा आपको जो फ्रूट पसंद हो आप वो डाल सकते हैं गाइज तो ये देखिए हमारी मिठ्ठी दो बप्पा दोही बन के तैयार हो गया है और इसको कट करके हम आपको दिखाते हैं कितना स्मूथ बना है और बहुत ही मुलायम है ये और बहुत ही सॉफ्ट है खाने में बहुत ही अच्छा है मुँह में घुल जाता है जैसे जाता है और टेस्ट तो कहने को कुछ नहीं तो चलिए आप लोग इसको बनाइए और ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए शेयर करिए तो हमारे जो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे तो चलिए मिलते हैं फिर अब मिलेंगे इसी तरह अल्लाह हफिज़ टेक केयर